सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान 19 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। सऊदी राजकुमार का ये पहला भारत दौरा है और इस पर दुनिया भर की नजरें होंगी। मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा तब हो रहा है जब जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या के आरोप में वो बुरी तरह से घिरे हैं। खाशोगी की हत्या अक्टूबर में टर्की स्थित सऊदी अरब के दूतावास में हुई थी। खाशोगी की हत्या के बाद से ही लगातार मोहम्मद बिन सलमान की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आलोचना हो रही है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब भारत का प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा साझेदार है। सऊदी अरब के प्रतिद्वंदी ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद नई दिल्ली के लिए ऊर्जा सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि उसके भारत दौरे पर ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पहले वो 16 फरवरी को पाकिस्तान जाएंगे, इसके बाद वो भारत का दौरा करेंगे। सऊदी अरब और इराक दोनों ही देश भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब सऊदी अरब भारत के तेल बाजार पर अपनी नजरें जमाए हुए है। वहीं सऊदी अरब के किदिया एंटरटेनमेंट सिटी के लिए भारत से निवेश को आकर्षित करना चाहता है। इस सिटी को 334 स्क्वायर किलोमीटर में तैयार करने की योजना है। ये एक मनोरंजन और थीम पार्क होगा जहां पर रेसिंग ट्रैक्स भी होंगे।